राजनांदगांव जिले के खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस की यशोदा वर्मा को बड़ी जीत मिली है। यशोदा वर्मा ने 20,000 से अधिक वोटों से जीत हासिल की है। बीजेपी के कोमल जंघेल का यशोदा वर्मा का सीधा मुकाबला हुआ। 10 प्रत्याशियों में से कोमल जंघेल दूसरे नंबर पर रहे। खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव के लिए बीते 12 अप्रैल को मतदान संपन्न किया गया था, जिसके बाद 16 अप्रैल को मतगणना हुई है। मतगणना का कार्य सुबह 8 बजे से राजनांदगांव शहर के बीज निगम कार्यालय परिसर में हुआ। राजनांदगांव जिला निर्वाचन अधिकारी तारण प्रकाश सिन्हा ने बताया कि कड़ी सुरक्षा के बीच सुबह 8 बजे से 14 टेबल के माध्यम से मतगणना प्रारंभ की गई थी। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे से विधायक व खैरागढ़ रियासत के राजा देवव्रत सिंह के निधन के बाद खाली गई इस सीट पर विधायक बनने के लिए 10 प्रत्याशी उपचुनाव के मैदान में थे। हालांकि सीधा मुकाबला कांग्रेस की यशोदा नीलांबर वर्मा और बीजेपी के कोमल जंघेल के बीच ही माना जा रहा था। परिणाम भी उसी के अनुसार आए हैं। कांग्रेस प्रत्याशी को इस चुनाव में बड़ी जीत मिली है। 20,000 से ज्यादा मतों से प्रत्याशी ने जीत हासिल की है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शाहिन खान की रिपोर्ट।